हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि जो चेतु में सेलेक्ट हुए हैं उनका इंटरव्यू लीजिए और एक एक्सपीरियंस शेयर करवाइए कि किसका सिलेक्शन हुआ है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम उन्हीं के साथ हैं। तो प्रतीक तो हमारे हेलो साथ प्रतीक हैं जो कि अभी चेतु में जॉब कर रहे हैं, तो उन्हीं का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं। तो वो लाइव हैं पर अपने साथ, ठीक है। तो हेलो प्रतीक, नरेंद्र। तो अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, बेसिकली जैसे पता है तुमने, हम लोग अपना बीटेक कंप्लीट किए हैं मैकेनिकल ब्रांच से, IERT से, तो अलाहाबाद। तो उसके बाद जस्ट मतलब कैंपस हायरिंग तो चल ही रही थी, तो अच्छा, कैंपस से हुआ था इसमें। हाँ, तो कैंपस हायरिंग में चेतु आई थी। उन्होंने अपना पूरा रिक्वायरमेंट बताया कि देर इज 2 month बेसिक ट्रेनिंग एंड देन आफ्टर दैट एक छोटा सा टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा चेतु कंपनी में और आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे। ओके, तो इसमें नॉन आईटी वाले भी अवेलेबल थे ना? नॉन आईटी वाले भी मतलब भर सकते हैं, एलिजिबल? हाँ, बेसिकली IT वाले भी इनमें इंटरव्यू हुआ था कॉलेज में, और नॉन नॉन आईटी को भी इनको दिया गया था चांस कि आप बैठिए और अपना परफॉर्मेंस जो है दिखाइए। तो वहाँ पे बेसिकली एक नॉर्मल टेस्ट हुआ था एंड देन उसके बाद इंटरव्यू हुआ था। तो टेस्ट में बेसिकली अच्छा क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा टेस्ट में ये बताइए, जैसे एक ही टेस्ट हुआ था टोटल? नहीं, एक टेस्ट हुआ था, तो ये तो कॉलेज कैंपस में हुआ था जो हम लोग का नॉर्मल इंटरव्यू होता है। तो देन उसके बाद पहले या पहले कॉलेज वाला बता दीजिए कि उसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे, क्योंकि जो मेन कमेंट है वो इसी इसी बेसिस पे हैं कि सर उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप एक आइडिया दे दो। नॉन टेक्निकल का भी पूछा गया था और टेक्निकल का भी, दोनों का पूछा गया था ना? हाँ, दोनों का पूछा गया अच्छा, था कुछ जैसे। हाँ कुछ क्वेश्चन उससे भी थे, लैंग्वेज से, सी लैंग्वेज से, कोई हाँ प्रोग्राम? हाँ बेसिकली सूडो कोड बोलते हैं, तो अच्छा, हाँ, स्यूडो और कोड। हाँ सूडो कोड। तो जब कैंपस में हुआ था ना, तो हम लोग काफी डर रहे थे कि अरे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा है बहुत हार्ड होगा। तो बट जब दिया गया पेपर तो समझ में आया कि नहीं, इतने भी हार्ड नहीं होते। नॉर्मल तुम्हारे जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, वैसे दो टेस्ट में ये डिवाइडेड था, एक अच्छा। एप्टीट्यूड टेस्ट था और एक हमारा कोडिंग का टेस्ट होता है, दो टेस्ट होता है। तो 15 और 10 क्वेश्चन थे। 15 आपके एप्टीट्यूड थे जो जनरल नॉलेज होते हैं, जिसमें बेसिकली थोड़े मैथ के क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ी इंग्लिश की रहते हैं, ठीक है, और आप रीजनिंग हाँ रीजनिंग व्यू भी? रीजनिंग रहती है, तो वो सब तो इजी रहता है। ऑल दोस्त की आप अगर बीटेक से पढ़ रहे हो तो ये तो नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कुछ बट क्वेश्चन याद हैं कुछ, किस तरह के? एक दो क्वेश्चन याद हो? अब उस टाइम पे तो मतलब हो गया टाइम काफी, अच्छा, लेकिन हाँ टाइम कुछ हो क्वेश्चन गया। याद है, जैसे कि आप जो टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि अगर इतने टाइम हो रहे हैं तो इसमें से इतने टाइम आपने वर्क किया, तो वैसे ही करके कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चन अच्छा, रहते हैं। टाइम एंड वर्क हाँ से। हाँ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, मतलब इजी रहते हैं, टोटल आप कर लोगे पढ़ने के ओके बाद। ओके ओके और बात करें सूडो कोड की, तो उसमें बेसिकली C++ और C से पूछते हैं लोग, नॉर्मल कोडिंग रहती है वो भी लगभग कर लेते हैं। तो बेसिक टाइप की, एक तरीके से बोला बेसिक जाए। टाइप एकदम एकदम जो आपको बीटेक में बेसिकली पाइथन और सी पढ़ा दी जाती है, तो उसी से बेस पे पूछते हैं वो, ओके मतलब ओके टेस्ट में। अच्छा, तो टेस्ट हुआ, उसके बाद कट ऑफ लगी थी, वो उसका कुछ पता था कितने पे, मतलब कितने में लगी थी, कितने क्वेश्चंस में थे, जे कितनों को सेलेक्ट किया गया था, कितने क्वेश्चन पे? बेसिकली जजमेंट जो उन्होंने किया था वो आपका एप्टीट्यूड में, तो 7 से 8 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो उसमें जज कर लिया था। बट अच्छा लेकिन अच्छा कोडिंग में ये मैक्सिमम था कि आप मैक्स टू मैक्स कितना सही करते हैं। तो बेसिकली उसमें भी सब लोगों ने 10 में से 6 7 तो सही किए थे, तो मेरा भी ऐसे ही 6 के आसपास सही था। हाँ, फिर उन्हें भी पता होगा नॉन आईटी के हैं कुछ बच्चे, तो फिर थोड़ा। अच्छा, फिर हाँ वहाँ उसके पे बाद भी इंटरव्यू उसी दिन हुआ था कि कुछ दिन हाँ बाद? हाँ एट दैट सेम डे उस दिन इंटरव्यू हो गया था। तो ओके, विशाल सर आए थे यहाँ चेतु से, HR डिपार्टमेंट से, तो अच्छा उनसे अच्छा हाँ उनसे अच्छी मतलब बात हुई थी। तो फिर इंटरव्यू दिया गया कि अपने उसमें भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से थोड़े फिर पूछा गया कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज से फैमिलियर, मतलब आपने कॉलेज में क्या पढ़ा है,
जो तो बेसिकली लैंग्वेज आपको आती है। इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस अगर बता सको शुरुआत से, जैसे कहाँ से स्टार्ट किया, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे, तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी जो भी हमारे व्यूअर हैं उनकी। तो बेसिकली यार देखो, जब भी होता है ना इंटरव्यू, तो अपना पर पहले वही होता है कि आप अपने बारे में बता दो, इंट्रोडक्शन टेल मी दो। अबाउट योर सेल्फ। हाँ हाँ, हाँ तो वो वो तो देखो कोई इंटर भी कंपनी हो उसमें देना ही पड़ता है, वही बहुत मायने रखता है ये। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यदि आप तो इसमें ही चक जा रहे हो बीच में, इसी को नहीं ढंग से दे पा रहे हो, तो सोच लेता है वो भी कि क्या कम्युनिकेशन तुम्हारा रहने वाला है। तो बेस्ट रहेगा कि इसको आप प्रिपेयर कर लो अच्छे से, कि मतलब इंट्रोडक्शन तो अपना बोल ही लो फ्लुएंट बिना अटके कुछ भी। देन बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद आती आती है बात कि हाँ आप टेक्निकल में क्या, आपको मतलब कोडिंग में आती है, लाइक क्या पढ़ा है तुमने कॉलेज में। तो मैंने बताया कि हाँ बेसिकली सी पढ़ा था, और हम लोग में वो चल रहा था ना कंप्यूटर सिक्योरिटी करके, नहीं हाँ, साइबर समझेगा, सिक्योरिटी हाँ बोलते हैं। साइबर ठीक सिक्योरिटी, तो वो ठीक पढ़ा हुआ था। ओके। तो उसमें बताया, तो उन्होंने फिर पूछा भाई अगर सी है तो ऊप्स पे कैसे वर्क करती है, ऊप्स क्या है, थोड़े चौस बहुत कॉन्सेप्ट। हाँ ऊप्स कॉन्सेप्ट बता दिए, उनके पिलर बता दीजिए, लाइक कलेक्शंस क्या होते हैं। तो मतलब थोड़े ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ के वो मुझे यहाँ से हायर मतलब उसमें लिस्ट में नाम आया फिर कि हाँ आपका हो गया है। तो ये सब नॉलेज ऊप्स पढ़ लें, ऊप्स से मैक्सिमम तो हो जाता है। अच्छा, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे थे जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम होता है, ये काफ़ी अच्छी कंपनी पूछती है यहाँ से, तो वहाँ से भी कुछ तो क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद जो हम लोग का जब यहाँ से हम लोग हायर हो गए हैं, तब उसके बाद जो हाँ एक और इंटरव्यू हुआ था हम लोग का यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे जब हम लोग हाँ बेसिक ट्रेनिंग के बोल मतलब बेसिक ट्रेनिंग जो चली थी हम लोग की, चलती है हाँ वो तो तो आईटी कंपनी में सिखाते हैं पहले। तो 1 महीने बाद हम लोग का फिर वहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद ओके okay. इंटरव्यू हुआ दोबारा। तो तो बेस उसमें काफी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अच्छा, उसमें सिखाया क्या था आपको, कौन सी उस पे? तो अब इस 1 महीने की ट्रेनिंग में हम लोग को सी शार्प सिखाया गया, सी शार्प के बाद डॉट नेट सिखाया गया, हाँ डॉट नेट, ओके। डॉट नेट एमवीसी, लेटेस्ट जो कोर चल रहा है इस टाइम डॉट नेट पे, वो हम लोग को बेसिकली 1 महीने में सिखाएगा। एंड देन ठीक। उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल हुआ हम लोग का, जो कि यहाँ पे चेतु की बिल्डिंगों में है, तीन अलग अलग बिल्डिंग है, सब में अलग अलग चलता है। तो उसके बाद जब हम लोगों ने इंटरव्यू दिया तो वहां पे क्वेश्चन आए थे एल्गोरिदम से, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, सी शार्प से ओके रिलेटेड, मतलब जो चीज सिखा देते हैं देन उसके बाद वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो ओके ओके अच्छा, वो तो एक आप हाँ हाँ एक बात बताइए, जैसे आप मतलब इंटरव्यू हो रहा था यहाँ पे, तो कुछ ये भी था कि कोई अगर इतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाता है, उसका कम्युनिकेशन इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं है, तो वो हिंदी में भी क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है कि नहीं? नहीं बेसिकली मतलब एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश में दे ही लो, हाँ वो तो इंट्रोडक्शन में खैर, कोई प्रॉब्लम। हाँ वो तो देना ही पड़ेगा। देन उसके बाद आप अपने कॉन्सेप्ट को अगर आप समझे हो अच्छे से तो आप इंग्लिश में बता रहे हो तो अच्छी बात है, बट अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे उतने फ्लुएंटली तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि वो यूज करना जरूरी होता है, उसके बगैर आपका सेंटेंस पूरा ही नहीं होगा, ओके ओके तो वो चीज़ हाँ बेसिकली मैंडेटरी है आपको यूज करना, तो बस इतना जरूरी, इतना तो सभी करते हाँ हैं। खैर, इतना तो कर ही लेते हैं मतलब। तो हाँ इसमें क्वेश्चंस किस लेवल के थे, कुछ एक दो क्वेश्चन बता सको? कैंपस हायरिंग में तो जैसे कि ऊप्स से मैंने बोला कि ऊप्स से आते हैं तो ऊप्स के पिलर होते हैं, चार होते हैं, वो पढ़ लें, और वो नेक्स्ट कैसे ट्रेनिंग में यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद अच्छा जो इंटरव्यू हुआ। अच्छा ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग के बाद तो मतलब बेसिकली पूरा सब तुमको सिखा ही देते हैं, मतलब जैसे कि पूरी शीशा स्टार्ट टू एंड, मतलब बेसिकली हम लोग जो नॉन आईटी वाले हैं उन लोगों के लिए बेसिकली ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि ये आपको जीरो से हीरो बनाने वाला, वो बोलते हैं ना कि समझ अगर रहा हूँ समझ रहा हूँ। नारायण नारायण जानते ही है, मैं मैकेनिकल में हायर हुआ था जैसे कि मदर फिल्म सूमी में, तो ओके मैंने वहां से ड्रॉप आउट लिया है, तो उसके बाद मुझे जाहिर सी बात है कोडिंग नहीं आती होगी। बिल्कुल बिल्कुल फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया ट्रेनिंग पे अपने कैंपस प्लेसमेंट से, तो उसके बाद इन्होंने मुझे सी शार्प सिखाया जीरो से लेकर मतलब एकदम एडवांस लेवल तक, उसमें बिल्कुल पूरा हाँ कि कैसे नेटवर्क पे ट्रैवल करते हैं तुम्हारे कोड, कैसे तुम्हारा एक कोड डॉट नेट का कैसे तुम्हारा वो मशीन लैंग्वेज समझता है, तो पूरा मतलब एक तरीके से आपको एकदम आइडिया देते हैं स्टार्टिंग टू एंड तक का,
अगर बात अच्छा करें कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो बेसिक पूछे जाते हैं यहाँ पे भी, लाइक शीशा क्या क्या है, कौन सी लैंग्वेज है, वो उसको सपोर्ट करती है, तो वो मतलब वो तो अलग चीज है। आप अगर एक बार कैंपस प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो यहाँ पे आने के बाद जो चीज सीखोगे वही चीज आपसे पूछा जाएगा। अच्छा कैंपस से यहाँ ट्रेनिंग करने कितने स्टूडेंट आए थे आपके साथ बेसिकली लगभग? हायर्ड तो 25 हुए थे, तो 20 नियर अबाउट आए थे, तो जिसमें इनका भी कुछ प्रोसेस होता है, तो ये छोटे छोटे अपने मॉड्यूल टेस्ट लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा बड़ी कंपनी है, इंफोसिस है, विप्रो है, उनका भी क्राइटेरिया होता है कि आप वीकली टेस्ट दीजिए, देन उसके बाद आप की रेटिंग क्या आती है, तो उस पर जज करते हैं वो। तो इस बिल्कुल। एक महीने में 2 टेस्ट या 3 टेस्ट हुए थे, तो उसमें भी हम लोग का जजमेंट हुआ था। तो एवरेज बिलो एवरेज वो स्टूडेंट की रेटिंग जाती है, तो उस हिसाब से वो हायरिंग करते हैं। जो एडवांस रहते हैं, मतलब जो जिनका रेटिंग अच्छा आता है, तो उनकी जल्दी हाँ हायरिंग होती है ऊपर फ्लोर पे, और जिनकी कम रेटिंग रहती है उनको थोड़ा और टाइम दिया जाता है कि आप पहले और लर्न कर लीजिए, देन उसके बाद आएंगे। अच्छा, तो मेन बात पे आते हैं कि आपका जो पैकेज लगा है वो कितने का लगा है ये बताइए। तो पैकेज की बात करें तो अभी तो हमारा 4 लाख है पर अच्छा, एनम। फोर लैख है पर एनम। ओके, सही है फिर भी। और जो प्रोफाइल है वो आपकी कौन सी मिली है, मतलब कौन सी है? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर। डेवलपर। तो भाई देखो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये काफी अच्छी चीज है कि जो नॉन आईटी से बिलोंग करता है उसको सॉफ्टवेयर डेवलपर की डायरेक्ट प्रोफाइल मिल रही है, क्योंकि ज्यादातर केस में मिलती नहीं है। सपोर्ट इंजीनियर की पकड़ा देते हैं और भी है तो। क्वालिटी एनालिस्ट पकड़ा देते हैं, हाँ आईटी पकड़ा देते हैं। तो अगर तो आप कोडिंग में मतलब इंटरेस्ट है तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा अगर इस तरह। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। तो थैंक यू नारायण। थैंक यू भाई।